हेलो एवरीवन, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th का टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिएबिलिटी जो चैप्टर 5 है उसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमारे तीन टॉपिक्स बचे हुए थे, वो तीन टॉपिक्स थे लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये तीन टॉपिक्स हम करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी वो पूरा हो जाएगा। और चूंकि MCQs आने वाले हैं हमारे पास, सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैप्टर्स को कंक्लूड करेंगे और टॉपिक्स को भी। तो आज के टॉपिक में जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है या जो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, इनके पोटेंशियल तो बहुत हैं, MCQs बनाए जा सकते हैं। और खास करके अगर हम बात करें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इन द रिसेंट पास्ट। पर ऐसी बात नहीं है कि MCQs उससे नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरह का होना चाहिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उसमें हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब ये जो है एक तरीका हुआ, एक वे है डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है। तो आखिर हमारे पास तो इतने सारे रूल्स थे ही, प्रोडक्ट रूल था, क्वेश्चन रूल था, चेन रूल था, तो उनके बाद भी हमें इस तरह की क्यों जरूरत पड़ी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना कुछ खास ओकेजन्स पे या कुछ खास टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे लगाया जाता है, ये हम हमेशा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है और इसके लिए एक खास ओकेजन होना चाहिए या खास टाइप ऑफ फंक्शन हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए जिसके कि डिफरेंशिएशन करने के दौरान हम ये मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जिस पर कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उस तरह के तीन सिचुएशंस आते हैं। पहला है कि हमारे पास जो पावर हो वो वेरिएबल पावर हो, ठीक है। तो अगर हमें फंक्शन में दिया हुआ है तो जिसका कि पावर जो है वो वेरिएबल है, तो हम जो है उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जो करने के दौरान हम लॉगरिथम लगाते हैं, तो इसीलिए ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठीक है वेरिएबल पावर होना चाहिए, ठीक हमें पता चल गया वेरिएबल पावर होना चाहिए, तो वो किस तरह का फंक्शन है। तो ये जैसे अगर हमारे पास x की पावर x है या इवन कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर में भी x दिया हुआ है, a पावर x, या फिर साइन x की पावर में x है, ठीक है, या फिर इवन जैसे cos x है और उसकी पावर में साइन x है या कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे हमारे पास, इन सभी में आप देखिए इंडेक्स की जगह पे क्या है, एक्स है, एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या है, वेरिएबल ही तो है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। वेरिएबल पावर्स वाले को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं। तो मेनली हमारा क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो वहां पर हम लगाएंगे, या फिर आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन है जिसमें कि वेरिएबल पावर है, तो हम जो है अब वो वेरिएबल पावर सीधा सीधा जैसे एक्स के तरह का भी हो सकता है या फिर एक पूरा फंक्शन भी हो सकता है जैसे ये है साइन एक्स, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे कैसे, तो यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान रखिये कि इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर में x है, ठीक है। अब अगर आप लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें,
log on both sides, we get what? Log y is equal to log x की पावर में x, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को यहां पर लाएंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ये x सामने में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको फर्दर ये लिख सकते हैं कि log y जो है वो x log x के बराबर है। देखिए आप, ये जो पावर है वो सामने आ जाता है क्योंकि हमें log की प्रॉपर्टी में बताया गया है कि log m पावर n अगर है तो वो n log m के बराबर हो जाता है ना। तो ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था उसका यहाँ पर एप्लीकेशन है। एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू दैट इट विल बी यूज्ड, तो ये जो है उसका एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम आके उसका एप्लीकेशन करते हैं। अब इसको जब डिफ्रेंशिएशन कराना है तो log y है तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि x log x ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यू कैन सी इट। तो हम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसको सेकेंड और इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करके, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज log x का डिफ्रेंसिएशन मतलब 1 बाय एक्स प्लस आता है बीच में, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम। अब फर्स्ट फंक्शन का कराएंगे जो कि 1 हो जाएगा क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन विल बी 1 एंड log x विल बी देयर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर x x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हुआ, ये आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x हो गया। अब जो है हमें एक्चुअली आंसर तो dy by dx ही निकालना है हमें, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया गया है किसको, x पावर x को, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया गया है। हमने इसको y मान लिया तो जो y माना हमने y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx हो जाएगा, ये तो लेफ्ट साइड में आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो राइट साइड में होगा, ठीक है, जो आ रहा होगा। अब ये y हमें उधर ले जाना पड़ेगा, ये y इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू 1, ये आ गया 1 प्लस log x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है 1 प्लस log x यहां पर आ गया। अब y के बदले में रिप्लेस कराएंगे हम, y की वैल्यू जो है वो है x पावर x और ये आ गया 1 प्लस log x। तो इस तरह से हम जो है लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन लगा करके x की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको ये पता चल गया होगा कि हाउ वी एग्जैक्टली अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो है हमारे पास ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड भी हम लगा सकते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज है इसका एंड रिजल्ट देखिए आपके पास क्या है, ये है x पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो हम जो है इसी चीज को, इसी रिजल्ट को और दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, वो कैसे, यहां पर जैसे अगर आपने y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y इज इक्वल टू आपने लिखा है x पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से चलें तो हम इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं log x की पावर में x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि e और log जो है कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे e और log और x पावर x ही हमें बचा रह जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि x की पावर में x है तो ये जो है हमारा यहाँ पर x log x बना देगा क्योंकि ये पावर है, तो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे अगर तो n log m हो जाता है, तो n मतलब पावर log m, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो है हम सीधा सीधा
डिफरेंशिएट करा सकते हैं इन दोनों को. कैसे? तो जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू को हम डब्ल्यू आर टी लिख देते हैं. वी गेट या वी ऑब्टेन क्या मिलेगा हमें? तो यहां पर मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है. तो ई एक्स लॉग एक्स आएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है. इनटू आएगा क्योंकि हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा ई एक्स नहीं है, ई एक्सपोनेंशियल एक्स लॉग एक्स है. तो वो डेविएशन है हमारे पास, तो उस डेविएशन को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा. अब हम एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि हमने जब ई का कर दिया तो ई एक्स आ गया. अब जो है, क्योंकि ये जो चीज है ये डेविएटेड है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से. तो एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम करा रहे हैं, एक्स का वन हो गया, लॉग एक्स को कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एज एक्स इंटू लॉग एक्स आर देयर. तो हम जो है यहां पर एक्स को कराया तो वन आ गया, लॉग एक्स कॉपी किया, फिर एक्स को कॉपी कराया और लॉग एक्स को का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स ले लिया. ठीक है, अब यहां पर फिर से हम यही बात करेंगे कि ये एक्स फिर वापिस हम उधर डाल देंगे, तो ये आ जाएगा ई लॉग एक्स की पावर में एक्स. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. इनटू ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स, लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा क्योंकि एक्स इंटू वन बाय एक्स है, तो लॉग एक्स प्लस वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर ई और लॉग कैंसल होके हमें क्या दे जाएंगे, एक्स पावर एक्स, और ब्रैकेट में क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस वन. यही आंसर आपका पीछे भी आया था. तो आप जो है इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, दोनों ही आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही कहलाता है. एंड दिस इज फर्स्ट, जहां पर कि हम फर्स्ट काइंड ऑफ फंक्शंस जहां पर कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं, ये है वेरिएबल पावर्स वाला. अब हम दूसरा केस देखेंगे जहां पर कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें लगाना पड़ता है, वो है दूसरा जो हम देखेंगे. तो दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट हो, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट से भी में भी हम जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं. लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, ऐसे रख सकते हैं हम इसको, ऑफ फंक्शंस. तो बेसिकली क्या बात हो रही है यहां पर कि आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट हो, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. तो जैसे अगर आपके पास मान रखिए कि वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, और आगे भी हम लगा सकते हैं जैसे ये है ई एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स भी एक फंक्शन हमने ऐड कर दिया. तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट में काउंट कर सकते हैं हम, अगर दो भी रहेंगे तो भी हम जो है लगा सकते हैं, पर दो फंक्शंस तो सीधा सीधा भी हो जाएगा, मतलब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो भी हो जाएगा. यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो फिर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं यहां पर. ठीक है, तो यहां पर लॉग अगर हम लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वाई और फिर ये जो है इस पर लॉग लग जाएगा, लॉग एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स ई एक्स, इतनी सारी चीजें आ गई. अब जो है हम क्या करेंगे, यहां पर लॉग वाई इज इक्वल टू, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे. लॉग की प्रॉपर्टी एक थी जिसमें कि आपको प्रोडक्ट जो है
जितने भी होते थे प्रोडक्ट वाले वो सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाते थे विद लॉग। मतलब ये जो है प्रोडक्ट में है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सारे प्लस में, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स लॉग साइन थ्री एक्स प्लस लॉग ई एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है जैसे साइन एक्स है, साइन टू एक्स है, साइन थ्री एक्स है, इनके लिए हम ब्रैकेट यूज कर ले तो यह ज्यादा क्लियर कट दिखेगा हमें। ठीक है, अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी ऑप्टेन। हमें क्या मिलेगा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, नो प्रॉब्लम विद इट। चेन रूल लगता है लॉग वाई का वन बाय वाई और वाई का फिर डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स रहेगा, यहां पर भी चेन रूल लगता पर वो एक्स का वन ही हो जाता है। यहां लॉग साइन एक्स का वन बाय साइन एक्स हो जाएगा, जबकि चेन रूल के हिसाब से इंटू कॉस एक्स भी आ जाएगा। ध्यान रखिए ये क्या हो रहा है, यहां पर भी वन बाय साइन टू एक्स आएगा इंटू कॉस टू एक्स आएगा इंटू टू आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर वन बाय साइन थ्री एक्स आएगा कॉस थ्री एक्स आएगा इंटू में थ्री आएगा। ठीक है, साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का फिर थ्री, तो चेन रूल है इट गोज ऑन। एंड लॉग ई एक्स क्या है, लॉग ई एक्स को अगर देखिए तो ये जो है एक्स ही होता है। ठीक है, तो एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, वन हो जाता है, क्योंकि लॉग और ई अभी बताया कैंसिल हो जाते हैं तो एक्स ही बच गया ना, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये वन अलग है, ये प्रोडक्ट में है, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है हम वाई उधर ले जाएंगे और हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा और वाई हमारे ये सारा है। ठीक है, तो वाई को कॉपी करना पड़ेगा वहां से, वो तो हम कर लेंगे। यहां पर अभी देखते हैं क्या क्या और चीजें आ रही है, वन बाय एक्स तो आ ही रहा है, फिर हमारे पास कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो ये कॉट एक्स हो गया, ये आ गया प्लस टू कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स हो गया, फिर ये आ गया प्लस थ्री कॉट थ्री एक्स और प्लस में वन। ठीक है, और वाई के बदले में हम यहां से वैल्यू कॉपी कर देंगे तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वाई को रिप्लेस कराना है ये मत भूलिएगा। तो इस तरह से हम जो है लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का भी करते हैं डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा भी है जिस पर कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कराते हैं और वो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। व्हाट डज दिस मीन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कोई भी हो सकता है जहां पर कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या, जैसे मान रखिए कि आपके पास इस तरह का हो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर x की पावर ये इन्फिनिटी तक है, इस तरह में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये, चलिए ये तो फर्स्ट केस में भी रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं। y इज इक्वल टू मान रखिए कि आपके पास रूट अंडर है और इधर जो है x माइनस थ्री की पावर में आपको 5 बाय टू दिया हुआ है और फिर x माइनस फोर की पावर में आपको 7 बाय
3 दिया हुआ है, अपॉन में x माइनस 5 है और उस पर जो है 8/5 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये जब आप अगर चैन रूल लगा के करना चाहेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन के लिए भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हमारे पास है जिसमें कि हम लगा सकते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन पूरे को पावर नोटेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, पावर नोटेशन में चेंज करने के बाद हम जो है लॉग लगा देते हैं दोनों साइड और फिर हम डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो आई होप कि आप ये कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये थर्ड को सिचुएशन है जिसमें कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो देयर वर 3 सिचुएशंस जिसमें कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। फर्स्ट वॉज लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, दूसरा जो है पहला तो वेरिएबल पावर वाला था, दूसरा जो है लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस था, तीसरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। ठीक है, ये इसको अगर करना है लेट अस डू इट, हम कर लेते हैं। यहां पर मान रखिए कि y है, तो अब अगर पावर नोटेशन में हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 3 की पावर में 5/4, क्योंकि ये रूट अंडर के लिए भी 1/2 पावर आ जाएगा सभी पे। फिर हमारे पास दूसरा है x माइनस 4 की पावर में आ जाएगा 7/6 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 5 की पावर में 4/5। 4/5 क्यों, जब आप 8/5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 ही बचता है। ठीक है, इसीलिए अब जो है अगर हम लॉग ले लेते हैं सभी जगह दोनों साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू, फिर आप जो है एक प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की कि लॉग m इंटू n बाय, अगर p है तो लॉग m प्लस लॉग n माइनस लॉग p, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस के साथ आता जाता है। ये हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में जहां पर कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके डिफरेंशिएशन देखे थे। ठीक है, तो यहां पर हम जो है लॉग लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 की पावर में 5/4 फिर प्लस लॉग x माइनस 4 की पावर में 7/6 फिर माइनस लॉग x माइनस 5 की पावर में 4/5। ठीक है, फिर जो है हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 5/4 सामने आ जाएगा, लॉग x माइनस 3 हो जाएगा फिर प्लस 7/6 लॉग x माइनस 4 हो जाएगा फिर माइनस 4/5 लॉग x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप डिफरेंशिएशन कराएंगे तो लेफ्ट साइड में तो लॉग y है, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx होगा और इधर फिर आसानी से हो जाएगा 5/4 लॉग x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 1/x-3 फिर 7/6 कॉपी लॉग x माइनस 4 का 1/x-4 माइनस 4/5 का कॉपी करेंगे और लॉग x माइनस 5 का 1/x-5। ठीक है, फिर हम इनका एलसीएम वगैरह ले सकते हैं पर कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इस y को दूसरी साइड ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इससे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह से जो है हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी डील करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा करके। ठीक है, अब हम आज के दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक आज का है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसका मतलब है कि ये है तो फंक्शन ही लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो डेरिवेटिव हमें निकालना है
derivatives of functions expressed in पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, उससे पहले हम पैरामेट्रिक फॉर्म को जाने, उससे पहले हमें जो है ये पैरामीटर जानना जरूरी है। पैरामीटर जो है हमारा क्या होता है? पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पर हम दो चीजों के बीच में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे एज एक पैरामीटर है, हाइट एक पैरामीटर है, मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आप कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में। वेट, अब किसी दो ऑब्जेक्ट के वेट के में अगर हम देखें तो वो भी एक पैरामीटर है। तो इस तरह से फंक्शंस में क्या पैरामीटर होगा? तो फंक्शंस में तो वेरिएबल ही होते हैं, तो वेरिएबल को ही हम पैरामीटर अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर जो है पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं मेन, वाई और एक्स, ठीक है। तो वाई भी किसी तीसरे वेरिएबल और एक्स भी किसी तीसरे वेरिएबल, मतलब दोनों ही एक्स एंड वाई बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल, तो हम उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान रखिए कि आपके पास एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 है, ठीक है। यहां पर a हम पैरामीटर नहीं मान रहे हैं, हम इसको स्पेशली एक्सप्रेस कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि पैरामीटर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि a भी यहां एलिजिबल है टू बिकम अ पैरामीटर, बट हमने अभी t को माना है पैरामीटर, ठीक है। तो यहां पर एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया हुआ रहता है, और अगर नहीं भी रहता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ए बी सी वगैरह होते हैं तो वो यूजुअली हम कोफिशियंट्स की तरह ले लेते हैं। तो हमारा टी हो गया, थीटा हो गया, ये सभी जो फाई हो गया, इन सभी को इफ दे आर अपियरिंग इन द गिवन फंक्शन तो हम उनको पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड कि हमें कौन सा पैरामीटर है दिया हुआ, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कराने की बात आ गई। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर t एक पैरामीटर है, x भी t की टर्म में एक्सप्रेस्ड है, y भी t की टर्म में एक्सप्रेस्ड है। ये किस इक्वेशन को, किस चीज के इक्वेशन को, किस कर्व के इक्वेशन को या किस शेप के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानने के लिए आपको t इलिमिनेट कराना पड़ेगा। पैरामीटर आप इलिमिनेट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आखिर किसका इक्वेशन है, ठीक है। पर हम उतना करेंगे नहीं, हमें तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स बनाना है इसका। तो हम जो है दोनों को क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा देंगे। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, dx by dt निकालेंगे। dx by dt में a will be assumed to be as constant, तो a हम कॉपी कर देंगे। t स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2t will be the derivative। अगेन फॉर y dy by dt हम निकालेंगे, dy by dt में हमें 2a will be copied and a का ये जो t है, t का तो 1 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर dx by dt आ गया 2at, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये आ गया 2a। अब द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम दीज टू हाउ विल वी गेट dy by dx। तो dy by dx निकालना आसान है, देखिए कैसे, dy by dx है, हम जो है इसको dy by dt लिख सकते हैं और फिर नीचे वाले को भी हम dx by dt लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy by dt भी हमें पता चल चुका है और dx by dt भी हमें पता चल चुका है, और इस तरह से हम जो है 2a कैंसिल करा देंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू ऑब्टेन 1/t एज आवर आंसर। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन एक्सप्रेस्ड होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। अब अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़े
तो हम जो है क्या करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन अभी हम अगले सेशन में, अगले सेक्शन में, अभी इसी सेशन में हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पर अभी फिलहाल तो ये है कि हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखना होता है जब हम डबल मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें पावर वन है इसीलिए हमने लिखा नहीं है, पर जब हमें टू या टू से ज्यादा बारी डिफरेंशिएट कराते हैं किसी फंक्शन को तो वो सेकेंड और हायर ऑर्डर कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिफरेंशिएटेड द गिवन फंक्शन। एंड एज अ रिजल्ट हम जब इसको कराएंगे तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो t की टर्म में है, जबकि हम जो डिफरेंशिएशन करा रहे हैं वो हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि तभी ये dx स्क्वायर आया है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, चेन रूल यहां पर भी लगाएंगे, 1 बाय t को हम, क्योंकि t तो वेरिएबल है ही हमारे पास, तो 1 बाय t का डिफरेंशिएशन कराएंगे जो कि हमें पता है माइनस 1 बाय t स्क्वायर होता है, और फिर t का भी डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट dt बाय dx। समझ गए? अब जो है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ dt बाय dx, वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ dt बाय dx फ्रॉम हियर, यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड dx बाय dt, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ dt बाय dx, देयर इज नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। ठीक है, तो हम जो है यहां पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय डी एक्स इज नथिंग बट वॉट, इट विल बी टू ए टी एंड वन अपॉन, मतलब हमें जो है रेसिप्रोकल लेना है तो इट विल बी वन बाय टू ए टी विल बी देयर। ठीक है, फाइनली हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया माइनस वन बाय टू ए टी क्यूब, टू ए टी क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये तो जब आपको डबल डिफरेंशिएशन करने को कहेंगे तब जब हम निकालेंगे, ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। हमें dy बाय dx निकालना है, हाउ वी गेट dy बाय dx फ्रॉम दीज टू, dx बाय dt एंड dy बाय dt, बाय डिवाइडिंग देम इन देयर ऑर्डर्स, एंड डी टू वाई ओवर dx स्क्वायर जब हमें निकालना होता है एट दैट टाइम वी नीड टू यूज चेन रूल वेरी प्रोपरली एंड कॉशियसली, बहुत जरूरी है हम जो है कॉशियसली यूज करेंगे तभी हमसे गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ये इन द सिलेबस है, विद इन द सिलेबस है, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम अभी करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब यह हुआ कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन आपने एक बार ही किया तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, उसके बाद आपने दोबारा जब कर दिया तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम अभी कर रहे हैं, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी जितनी चीजें हमने डिस्कस करी उसके हिसाब से तो यही है कि अगर मान रखिए कि लेट y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू साइन x, बहुत ही सिंपल फंक्शन ले रहे हैं, आपने एक बार ही डिफ्रेंशिएट कराया तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए इसका तो हमें फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x v of 10 हमें मिलेगा। देखो ये है d by dx मिलेगा और dy by dx मिलेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं,
और यहां पर हम डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नोटेशन हमने लास्ट टाइम यूज किया था डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का, उसका क्या फंडामेंटल है। ये देखिए, यहां देखिए डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्या हम इन दोनों को मिला के, ये डी है और ये डी है, इन दोनों को मिला के डी स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई तो एक ही बार आया है। फिर हमारे पास डी एक्स है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। तो इसी वजह से उसका नोटेशन वैसा हो गया। ऐसे तो हमें dx के लिए ब्रैकेट यूज करना चाहिए, पर dx जो है ना, ये दो दिख रहे हैं पर ये होता एक ही है। ये इसका ये मतलब हो गया कि हम बहुत स्मॉल d के स्मॉल x के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इसीलिए इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हुए हम सिर्फ एक ही वो मतलब ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये नोटेशन भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम अब d बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स हो गया, तो हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है साइन एक्स का वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी पता चल गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मेनली क्वेश्चंस जो है प्रूविंग टाइप्स आते थे, पर अब क्या एमसीक्यूज में क्या कर सकते हैं वो, तो ऑलरेडी जो एंड रिजल्ट है वो दे देंगे आपको एज ऑप्शंस, और आपको y इज इक्वल टू, मतलब इफ y इज इक्वल टू फंक्शन दे देंगे, और देन के बाद आपके पास जो है ऑप्शंस ही दे देंगे जो प्रूव करने वाला रहता था, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे जब हम उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी तरह से किया जाता है, मतलब जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, जब हम दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने तीन सेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरा जो है हमने किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड देर आर ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज टॉपिक्स बीइंग आस्क्ड इन एमसीक्यूज। आपके इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा इसको देखिए, और अगर कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी इज फिनिश्ड नाउ, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इन द लाइनअप इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत ही जल्द हम उस चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।